प्रकृति की सबसे अनुपम कृति है मनुष्य, और मनुष्य का अलंकार है मानवता, दया, प्रेम व सेवा। इन सभी मानवीय गुणों का इस धरती पर एक साकार रूप देखने को मिलता है हेमल कसा में। पिता बाबा आमटे की प्रेरणा से डॉक्टर प्रकाश आमटे के द्वारा सन 1973 में लोक बिरादरी प्रकल्प की स्थापना की गई। महाराष्ट्र का सुदूर वनांचल क्षेत्र है गढ़चिरौली। वहां से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर बसा है डॉक्टर प्रकाश आमटे व डॉक्टर मंदाकिनी आमटे की अनूठी मानव सेवा एवं जीव दया का अनोखा केंद्र हेमल कसा। अशिक्षा और अंधविश्वास से घिरे निर्धन, सर्व सुविधाहीन आदिवासी माड़िया जनजाति के संरक्षण व समुचित उत्थान को उद्देश्य मानकर लोक बिरादरी प्रकल्प द्वारा विभिन्न तरह के सेवा कार्य संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें निःशुल्क अस्पताल, विद्यालय, छात्रावास एवं प्राणी अनाथालय मुख्य है। वर्तमान में यहाँ 50 बिस्तरों वाला सर्व सुविधा युक्त अस्पताल संचालित है। किलोमीटर के रेडियस से आते हैं। 50 बेड का हमारा पूरा फुल फ्लेज अस्पताल है अभी। इस अस्पताल में सोनोग्राफी, एक्सरे, लैब फैसिलिटीज, 5 ओटी है, उसमें से 3 जनरल सर्जरी की ओटी है, जनरल और गायनेक, और 2 आई सर्जरीज के लिए अलग से ओटी बनाए हुए हैं। बाद में NICU है, ICU है, और 50 बेड की व्यवस्था है, और काफ़ी डिलीवरीज, और इसका नंबर भी बढ़ा है। हर साल हम लगभग 40,000 पेशेंट यहाँ पे ट्रीट करते हैं। मेडिसिन पर अराउंड 20 लाख के करीब खर्चा हर साल आता है, और वो मोस्टली हम फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन पेशेंट को देते हैं। यहाँ स्वास्थ्य संबंधी अन्य योजनाओं का भी संचालन किया जा रहा है, जो कि सच्ची मानव सेवा का प्रतीक बन चुका है। हमारे 2 प्रोग्राम चलते हैं, एक तो हॉस्पिटल बेस्ड है जो कि फुल्ली क्यूरेटिव प्रोग्राम है, और एक दूसरा जो है जो वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, जो कि प्रिवेंशन और प्रमोशन एक्टिविटीज पर ज़्यादा फोकस है, तो उसको हम कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स बोलते हैं। फिर इसके बाद हमारा स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है, उसे हम शेप कहते हैं, स्कूल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसके अंडर हम यहाँ पे भमरागढ़ ब्लॉक में टोटल 13 आश्रम स्कूल्स है, उसमें हम वो प्रोग्राम रन करते हैं। हमारे कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम 30 गाँवों में चलते हैं। हमारा जो कैचमेंट एरिया है 30 विलेजेस है, जो कि मैक्सिमम 98% माड़िया लोग ही उसमें आते हैं। शिक्षा की सारगर्भिता को समझते हुए वृहद स्तर पर शिक्षा के प्रसार की व्यापक व्यवस्था दूरदर्शिता का प्रमाण प्रस्तुत करती है। 1976 में जो स्कूल चालू हुआ यहाँ ट्राइबल के लिए, यहाँ के माड़िया गोंड ट्राइबल की, तब फर्स्ट स्टैंडर्ड से चालू हुआ था, जिसमें सिर्फ पहले साल में 20 बच्चे थे। अभी करीबन 650 बच्चे यहाँ अपने स्कूल में शिक्षा ले रहे हैं, और पहली स्टैंडर्ड से लेके 12वीं तक की स्कूल है अपने यहाँ। मेरा नाम शरीफ शेख है। जब हम पहली क्लास की एडमिशन करते हैं तो बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं। जिस गांव में स्कूल की सुविधा नहीं होती है, वहाँ के बच्चों को हम फर्स्ट प्रिफरेंस देते हैं। लोक बिरादरी प्रकल्प का जो शिक्षा का काम है, 3 विभागों में चलता है। एक तो हमारा रेजिडेंशियल स्कूल है, जहाँ पे 650 बच्चे पढ़ते हैं। दूसरा एक डे स्कूल है, जो बहुत ही रिमोट जंगल में बसा हुआ है, वहाँ पे करीबन 105 बच्चे शिक्षा लेते हैं। और तीसरा है जो हम शासकीय जो शिक्षक हैं उनके साथ मिलकर काम करते हैं, उनको ट्रेनिंग देना, जो हमारे यहाँ पे शिक्षा प्रणाली हम इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में
उनको बताना और वो शिक्षा प्रणाली वो अपने स्कूल में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में उनको एम्पावर करना है। ऐसे तीन हिस्सों में हम काम करते हैं। 92 से स्कूल में पढ़ा रही हूँ। हमारे हॉस्टल में और स्कूल में बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, बच्चों के लिए पानी का नल है और सभी सुविधाएँ हैं, इसलिए वो भी अच्छे से पढ़ाई करते हैं। मैं पहली तक 12वीं तक इधर पढ़ाई कर तो मेरे स्कूल बहुत अच्छा है। यहाँ का जो रेजिडेंशियल स्कूल है उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। हर साल 100% बच्चे हमारे 10वीं और 12वीं में पास होते हैं। बॉयज़ हॉस्टल में हमारे स्कूल में करीब 300 लड़के 82 गाँव से है। हमारे पास पहली क्लास से लेकर 12th क्लास के सभी बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों के बारे में रेसिडेंशियल में उनके बेड बिस्तरा, उनके कपड़े, किताबें और उनके हेल्थ के बारे में पूरी सुविधाएं देते हैं। डिवीज़न लेवल के जो स्पोर्ट्स हुए उसमें अच्छे उन्होंने काम किया और वैसे नेशनल लेवल तक भी जाते हैं स्पोर्ट्स में बच्चे। हर साल अपने स्कूल से लोक बिरादरी आश्रम स्कूल से 30 से 40 बच्चे कॉम्पिटिशन के लिए वहाँ पर जाते हैं। नागपुर की डिवीज़न लेवल 12 से 15 बच्चे सिलेक्ट होके स्टेट लेवल कंपटीशन के लिए जाते हैं। उन्हीं में बच्चे अपने जो डीप एरिया में से जहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ एक ट्रैक अवेलेबल है, तो बच्चे डिवीज़न लेवल, स्टेट लेवल और आगे नेशनल लेवल तक कंपटीशन करते हैं। भोजन मनुष्य की 3 महत्वपूर्ण जरूरतों में से एक और बाकी 2 से अधिक आवश्यक तत्व है। 3 वक्त भरपेट भोजन की सुचारू व्यवस्था सच्ची मानव सेवा का सकारात्मक स्वरूप मुखरित करती है। 650 बच्चों के लिए खाना बनाना बहुत बड़ी बात होती है। रोज 3 बार उनको हम खाना देते हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट भी खाने जैसा ही रहता है। खाने में जो देते हैं वो लोकल जो ट्राइबल यहाँ उगाते हैं उनसे ही खरीद के हम उनको खिलाते हैं। एक तो सोर्स ऑफ इनकम भी मिलता है ट्राइबल को, उनके ही बच्चों को यहाँ उसको अच्छा खाना भी खिला सकते हैं। भोजनालय में बायोमेट्रिक पद्धति का उपयोग छात्रों की गणना के लिए किया जाता है और यह पुष्टि की जाती है कि कहीं कोई भूखा तो नहीं रह गया। प्रकृति प्रेम का एक उत्कृष्ट पर्याय बन चुके डॉक्टर आंटे जब खतरनाक जंगली जानवरों से रूबरू होते हैं तो अनायास ही देखने वालों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, किंतु अगला ही क्षण आश्चर्यजनक रूप से आनंद की अनुभूति देता है जब खतरनाक और आदमखोर कहे जाने वाले जानवर मित्रवत डॉक्टर आमटे के इर्द गिर्द अटखेलियां करते नजर आते हैं। अनाथ एवं भटके हुए जंगली जानवरों के पालन पोषण के लिए प्राणी अनाथालय की स्थापना की गई। यहां रहने वाले प्राणियों की घर के सदस्यों की तरह देखभाल की जाती है। लोक बिरादरी प्रकल्प के एक बहुत बड़ा हिस्सा जानवरों से उसके प्यार से लिए काफ़ी मतलब प्रसिद्ध हो गए। यहाँ के जो आदिवासी है माड़िया जमात, जिंदा रहने के लिए उनको कंदमूल के साथ जानवर भी मार के खाना पड़ता था। शुरुआत हुई एक बंदर का बच्चा जो मरे हुए माँ का दूध पी रहा था और हम लोगों ने उनको मांगा तो बोले नहीं हमारे बच्चे भूखे हैं, तो हम लोग उसके बदले में उनको चावल दिया और बंदर का बच्चा घर लेके आए। जैसे आदिवासी पेशेंट अपने अस्पताल में आने लगे वो देख के बड़े खुश होते थे, बंदर कुत्ते के साथ खेलता था उसके फिर जो बैठता था, और हमने बोला ऐसे बच्चे आप मत मारिए, उसके बदले में हमको अनाज देंगे आप। तो लोगों को समझ गए, लोग अपने को खाने को भी मिल रहा है, इसलिए फिर हिरन का बच्चा लेके आए उसके बदले में चावल दिया, फिर भालू के बच्चे आए, फिर तेंदुआ। ऐसे सब जानवर ये बेसिकली अनाथ थे और हमारे यहाँ आने के बाद में हमारे घर के मेंबर बन गए। बहुत अच्छी तरह से सभी ने प्यार की भाषा समझ ली है। मेरा सौभाग्य है कि आदिवासियों की सेवा करते करते इन सब सृष्टि में जितने भी कुछ प्राणी है, जानवर है, सांप है, सबके साथ में मैं अपना प्यार निभा सका हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इनका बर्ताव देख के आदमी के लिए बड़ी बहुत बड़ी सीख है, बहुत बड़ा मैसेज है इसमें। लोगों ने समझ लेना चाहिए कि जानवर जो हमला करना चाहिए वो इतने प्यार से रहते हैं। हमको दिमाग है, हम सबको सिविलाइज कहते हैं। गांधी जी ने भी कहा था कि नीड और ग्रीड, मतलब जितनी ज़रूरत है उतना आप कमाओ, लेकिन जिसको ग्रीड कहते हैं उसके लिए अंत नहीं है, आप जितना भी कमाओगे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा।
तो समाज ने इतना समझ लेना चाहिए, अच्छी तरह से जिंदा जिंदा रहना है तो हम लोग पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए, जंगल बढ़ाना चाहिए, जानवरों पर प्यार करना चाहिए और दीन दलितों की सेवा करना चाहिए। हालांकि मुख्य उद्देश्य तो वही था हमारा, बाबा की प्रेरणा से, बाबा हम थे, मेरे पिताजी थे, तो उनकी प्रेरणा से तो मेन काम तो वही है कि यहाँ की जो आदिवासी है उनको अस्पताल के माध्यम से सेवा दे या शिक्षा की सेवा करे, पर्यावरण की उनमें जागृति हो और खेती सिखाए, तो उस तरह से हमारा काम चल रहा है कि शॉर्ट में ऐसा है कि अवेयरनेस अबाउट हेल्थ, अवेयरनेस अबाउट एजुकेशन, अवेयरनेस अबाउट देयर राइट्स, इसमें हक की उनकी जाने, और चौथा ये है कि प्राणियों के ऊपर प्रेम करो, पर्यावरण की रक्षा करो। तो ये हम इतने 44 साल हो गए हम लोग आके, तो इसमें कुछ ना कुछ हासिल कर सके इसका बड़ा सारी। सारे विजिटर्स आते हैं हर रोज के, करीबन 60-70 लोग तो यहाँ स्टे के लिए रहते हैं। मानव का मानव के प्रति तथा प्रकृति जन्य समस्त चराचर से प्रेम बोलने में जितना सरल है, आत्मसात करने में उतना ही असाध्य। शायद ये हमारा सौभाग्य ही है कि आमटे दंपत्ति के रूप में हमें इसका साक्षात्कार मिला। हम उनकी सच्ची सेवा भावना को सलाम करते हैं।